दोस्तों इंडिया में सबसे ज्यादा आईसी इंजन के ऑटो रिक्शा बेचने के मामले में बजाज नंबर वन पे और नंबर टू पे पियाजो आता है, और इलेक्ट्रिक के मामले में नंबर वन पे अपे पियाजो और नंबर टू पे महिंद्रा आता है। तो आप में से काफी सारे लोग बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के इंतजार में होंगे, तो आप लोगों के लिए कुछ अपडेट्स लेकर आया हूँ बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की। उन्हें जानने से पहले आप सभी लोगों का शाबाश उसमें बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और कुछ पूछना चाहते हैं रिकमेंड करना चाहते तो नीचे कमेंट कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं बजाज की आरई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अपडेट के बारे में। तो दोस्तों इंडियन मार्केट के अंदर चाहे जितने भी नए स्टार्टअप्स अपना इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च कर लो, लेकिन यहाँ पे जो पुरानी कंपनी के साथ जो लगा हुआ है कस्टमर का, वो उतना आसानी से नहीं टूटता है। इसी का फायदा उठाकर कंपनी अपने सेल्स काफी अच्छे से कर रही है, जैसे कि अपे पियाजो और महिंद्रा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बजाज अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को लेकर कुछ भी नहीं दे पा रहा है, बस हमें फोटोज और रूमर्स के जरिए ही काम चलाना पड़ रहा है। तो दोस्तों बजाज के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के कुछ और स्पाई फोटो निकल के आए हैं। इनमें पैसेंजर ऑटो रिक्शा भी है और कार्गो ऑटो रिक्शा भी है। वैसे तो आप लोगों को पता है पैसेंजर के लिए बजाज आरई के ही मॉडल को यहाँ पे लिया गया है, और कार्गो के लिए बजाज मैक्सिमा की सीरीज यहाँ पे लिया गया है इलेक्ट्रिक के लिए। और इन फोटो को देख के लगता है कि बजाज अपने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को बारिश में भी टेस्ट कर रहा है। इसके अलावा भी इन फोटो में कुछ डिटेल्स दिखे जा रहे हैं, जैसे कि बजाज पैसेंजर ऑटो रिक्शा के ऊपर यहाँ पे RE EV 283 का नंबर भी दिख रहा है, और ये नंबर हमें कार्गो मॉडल के ऊपर ज्यादातर क्लैरिटी से नहीं दिख रहा है। शायद ये नंबर जो टेस्टिंग हो रही है उसका सीरियल नंबर हो सकता है या तो मॉडल नंबर हो सकता है। शायद ये भी कह सकते हैं कि फाइनल जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर ये नंबर हट भी सकता है। इन फोटो के अलावा भी कुछ रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि बजाज अपना इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को अगले साल लॉन्च कर सकता है। तो लॉन्च के बाद अगर छोड़ दी जाए तो यहाँ पे टेस्टिंग पे टेस्टिंग हो जा रही है किस बात की। तो पहले भी टेस्टिंग हुई थी और पहले भी स्पेक लीक हुए थे, जो कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ आई कार्ड में लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना। फिर किस बात की टेस्टिंग हो जा रही है, तो यहाँ पे बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, बजाज को दिल्ली के अंदर 2020 में ही लॉन्चिंग का अप्रूवल भी मिल गया था, लेकिन कोविड के वजह से इन्होंने डिले कर दिया। और उस बीच काफी सारे नए स्टार्टअप्स और नए नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लॉन्च हो रहे हैं और काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं कस्टमर्स के लिए। तो अगर बजाज जो पुराने स्पेक्स है उसके साथ अगर लॉन्च करेगा तो बजाज मार्केट के अंदर कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से बजाज को फिर से अपने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहिए। तो इसी वजह से शायद ये फिर से टेस्टिंग कर रहा है, और पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पहले बेंगलुरु के अंदर और पुणे के अंदर लॉन्च किया जाएगा और बाद में नेशनल वाइड लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेशनल वाइड 2023 में एक ही बार लॉन्च होगा, जो होना भी चाहिए क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पे जो लॉन्च होता है, तो जो लेने वाला जो यानी कस्टमर जो होता है उसका थोड़ा इंतजार टाइम और बढ़ सकता है। तो नेशनल वाइड एक ही बार लॉन्च करेंगे तो सभी स्टेट के अंदर सभी को एक ही बार लेने की सुविधा मिल सकती है। इसके अलावा भी उम्मीद करते हैं कि इस साल लास्ट में या अगले साल शुरुआत में ही कंपनी की तरफ से कुछ ना कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट आना चाहिए और इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को जल्द से जल्द लॉन्च करना चाहिए, वरना बजाज टेस्टिंग पे टेस्टिंग करते जाएगा और हमें इस फोटो से और रूमर से ही काम चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं बजाज के अलावा भी एक और कंपनी अपना इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को अभी तक मार्केट के अंदर नहीं लॉन्च किए हैं? अगर जानते हैं तो उस कंपनी का नाम नीचे कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों ये थी बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के कुछ अपडेट्स, और कोई भी नई अपडेट्स आती है कंपनी की तरफ से तो आपको मैं बताऊंगा इस चैनल पे, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।